नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। देश भर के सभी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से दिखाया गया तीसरा सीधा प्रसारण। बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा के दौरान टेंशन फ्री रहने के दिए गए टिप्स। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में भी दिखाया गया परीक्षा पर चर्चा का लाइव कार्यक्रम। शिमला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनदेखी करने पर कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए उसे उनका घमंड दिया करार। अनुराग ठाकुर का व्यवहार गलत था, कहा राजेंद्र राणा ने। स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमीरपुर पुलिस ने उठाया बीड़ा। हमीरपुर पुलिस ने 5 स्कूलों का चयन करके वहां पर बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर समस्याओं को हल करने के लिए कवायद की शुरू। चयनित स्कूलों में पुलिस के प्रशिक्षक बच्चों को जाकर करेंगे शिक्षित। गरीब रामदास के आशियाने पर बरपा आसमानी बिजली का कहर। बिजली गिरने से पूरा घर क्षतिग्रस्त, घर की दीवार पर बना बड़ा होल। पीड़ित परिवार ने लगाई जिला प्रशासन व सरकार से मदद की गुहार।